जैसे कि आप सलमान भाईजान के फैन और उनकी फिल्म राधे आने वाली है, राधे आने वाली जी, उसके लिए एक्साइटमेंट कितना? बहुत एक्साइटमेंट है, उसमें मेरे कई दोस्त हैं, उसमें हमारे सिद्धार्थ यादव भाई भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उसमें पता चला मुझे गौतम भी है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई, आप लोगों को और काम मिले और अच्छा काम करें, और थोड़ा बहुत हमारा काम भी देखे तो लोग हम भी काम दें, डेफिनेटली सबको काम दें ऊपर वाला। और क्या कुछ आपकी तरफ से आप कमी है जो आप बता रहे हैं? देखिए मैं अभी मैंने एक अंदाजी लीक करके एक शो है जो होस्ट किया है, इट विल कम ऑन डीडी, रियली पुराना जो अंताक्षरी था उसको नए फॉर्मेट में, जिस तरह आईपीएल मैचेस होते हैं उस तरह हमने आईपीएल, उस तरह का हमने जो है अंताक्षरी किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, और दूरदर्शन बता तो मुझे लगा कि यार हमने ये इस चैनल से अपनी करियर, तो इस चैनल को देख करके हमने शुरुआत की, ये चैनल वो चैनल था जब हमने बचपन में रामायण देखा है, महाभारत देखा है, और राजा ने कितने शोज देखे हैं, तो वो उस चैनल के लिए अगर कुछ कर सके, योगदान हो सके तो कमाल होगा कि नहीं। तो जब मुझसे ही मुझे ऑफर आया तो मैंने कहा यार मैं दूरदर्शन में करूँगा काम, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और पूरे हिंदुस्तान की टीमें थी, तो कलकत्ता की टीम थी, फिर मुंबई की टीम थी हमारी, फिर हमारी जयपुर की टीम थी हमारी, तो ऐसे टीमें थी, और बहुत मज़ा आया, और इसके साथ साथ जी सिने अवार्ड्स आ रहे हैं, जी सिने अवार्ड्स आर होस्टिंग दैट, सो मीन दैट अभी 13 तारीख को वी आर डूइंग द रेड कारपेट एंड प्लस द मेन शो, तो उसके पहले जितनी बैकअप स्टोरीज होती हैं, चाहे वो फ्लैशबैक हो, चाहे कर्टन रेजर्स हो, चाहे वो और पुरानी जो भी स्टोरीज होती हैं, वी मीन दैट, और फ्राइडे को जरूर देखिए जी सिने अवार्ड्स, प्लीज़ देखिए जी सिने में, जी सिनेमा पे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच प्रीतम हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।